आके बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी हुआ ये है, ये देखें, मेरा बैठना इतना मुश्किल हो जाता है ना इन बच्चों के साथ। हमजा नहीं कर यार, प्लीज 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 प्लीज। जाओ, बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। बाबा से कहूंगी इसको मोबाइल नहीं दें, ये मम्मा को तंग कर रहा है। अच्छा बाबा बुला रहे हैं, फिर बाबा बेसन को इस तरह से करके और ना इसके पीसेस काट के ग्रेवी में डाला जा रहा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल है जनाब, आप लोग कैसे हैं? यकीन है आप अच्छे होंगे, और अगर नहीं है तो अच्छे हो जाए। और आजकल यार नेट नहीं चल रहा, और दिन धक धक हो गया है कि क्यों नहीं चल रहा। बड़ी मुश्किलों से अपलोडिंग हो रही है, वीडियो अपलोड नहीं होती है, होती है तो वो जो है अटकती है, पता नहीं क्या होता है। बस आजकल यही चल रहा है। और अब जो है हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। मैं अपने चैनल पर कुछ कुछ दिन बाद जो है ना कुछ स्टोरीज, और जैसे कहते हैं ना क्या कहते हैं, एक जो हमारे घरेलू फैक्टर्स और मसाइल्स, ये देखें आप जब कुछ करने खड़े हो ना, तो ये जो तमाशे होते हैं ना, छोटे छोटे जो होते हैं हमारे घर के, ये ज़रूर आ जाते हैं। तो मैं कह रही थी अगर इस तरह की मैं वीडियो डाल रही हूँ छोटी छोटी, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसे पसंद है। और मैं बेटा आप रख दो, ये बाबा का रखो और मुझे बात करो। ये जो चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, जो कि मैं नेचर से रिलेटेड, नेचर तो नहीं कहना चाहिए, सॉरी, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें डाल रही हूँ, और यकीन है आपको पसंद आ रही होंगी। और अगर आ रही हैं तो मुझे ज़रूर बताएं और इंजॉय करें। बस मैं अभी हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मैंने अभी मिरर में देखा, सही करो इसको। और मुझे बताएं कि आप लोग जो मेरा मेन कैरेक्टर मैं कैसे परफॉर्म कर रही हूँ, ज़रा ये भी मुझे बताएं। ठीक है, तो बस आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा आज व्लॉगिंग करते हैं, आज मैं एक पूरा ब्लॉग डालती हूँ, फिर मैं 2-3 दिन बाद कुछ डालूंगी। तो इस तरह से हम जो है ना छोटे छोटे इंटरवल पे कुछ ना कुछ डालती रहूँगी, और इंजॉय करते रहे। मैं जा रही हूँ टैंक देखने के लिए, पानी आ रहा है ना, चले आप भी मेरे साथ चलें। और अगर मेरा मोबाइल गंदा नीचे गिर गया, हमजा क्या कह रहे हो, वो देखो। चलो तो मुश्किल होता है, तब आसान होता है। क्या चलो मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी यहाँ से। ये देखें बकरे, जी हाय चूल्हा चूल्हे, ये रहा पान चूल्हे, आ जाओ अंदर, पैन रखे हो बाबा का, मेरे पास पैन है भैया बाबा का, रख के आओ अभी, बाबा देख लेंगे, मैं वीडियो बना रही हूँ, बाबा देखेंगे और फिर आपकी पिट्टी लग जाएगी। और आपने ये वाला क्यों निकाला? सारे बाबा के, यस, एक आपका जो आप कारी साहब से पढ़ते हैं तब लेके जाते हैं ना, ये एक वो है, अब ये चीनी चाहिए, इससे चीनी चीनी कहाँ से तू लाओ, दो चीनी दे, कुछ नहीं निकाल, ये लो नहीं ना, गिर जाएगी चीनी, बंद करो। देखो भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए, हमजा भाई साहब आ गए, देखो हसन जाओ, तैयारी हो गई है, ये देखे जरा सेट करके रख, क्या हुआ हमजा, खोल के आ गए, खोल के आ गया,
पाली साहब पढ़ाने के लिए आ गए, वो जो है वहां पढ़ने बैठ गया है। हसन ये रख दो, आज जो है मैंने बनाया चार गोश्त। मैं सोच रही हूँ कि रोटी बनाऊँ या चावल, लेकिन ये कि मैंने चार गोश्त बनाए हैं। अब जो है मैं आके बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी हुआ ये है, ये देखें मेरा बैठना इतना मुश्किल हो जाता है ना इन बच्चों के साथ। हमजा नहीं कर यार, प्लीज़ 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 जाओ। बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। बाबा से कहूँगी इसको मोबाइल नहीं दें, ये मम्मा को तंग कर रहा है। तो बस है कुछ ये सीन कि कल जो है हमारे यहाँ दावत है और मम्मी की जो वो भांजी यानी मेरी सास की जो भांजी है ना वो आ रही, तो सौदा वौदा हम सुबह लेकर आ गए हैं। मेहमान गए थे किसी काम से जाना था। और ये देखें अच्छी बात है। अच्छा बाबा बुला रहे हैं, फिर बाबा बाइल भी नहीं देंगे आपको। इधर आओ मेरे पास आओ। अच्छा मैं अभी लगाती हूँ तुम्हें। तो बस यही होता है। तो हुआ ये है कि अब हमें जो है वो इस्लामाबाद में रहती है तो यहाँ आई नहीं है, तो अब जो है उनकी दावत कर रहे हैं। और दावत क्या वो आ रही थी तो मैंने कहा चले भाई मम्मी खाने को बुला लेते हैं, क्योंकि फिर भी करना पड़ता है घर में होता है। उसके बाद जो है अब मैंने क्या किया है, मैंने जो है वो सारा काम समेट लिया, मीन्स मुर्गी वर्गी धो के रख ली है। और मैं सोच रही हूँ बिरयानी बनाऊँगी, उसके अलावा मैं जो हूँ और क्या बनाऊँगी। मैंने ना अच्छा वो लोग ना ज़्यादा मीट लवर नहीं, तो मैंने ये सोचा है कि मैं बिरयानी बना लूँगी चिकन की, उसके साथ सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी मिक्स सब्ज़ी वो बना लूँगी। और मैंने जो ढोकली यानी कि खंडलियाँ कहते हैं, पता नहीं आप लोगों ने खाया है नहीं खाया, खंडलियाँ वो बना रही हूँ मैं। और दूसरा मैं क्या बना रही हूँ, दूसरा मैं बना रही हूँ पंखा चलाना बहुत गर्मी लग रही है, आवाज़ बोल रही थी उसको शुरू करके। और इसके अलावा हाँ इसके अलावा अगर मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं जो मैक्रोनी बनाऊँगी, पास्ता या मैक्रोनी का कुछ बना लूँगी, या स्पेगेटी देखूँगी वो बना लूँगी। तो ये मैंने सोचा है। और नीचे में मैंने खीर सोची, तो बस देखें अल्लाह ताला हिम्मत दे तो मैं बनाऊँगी। क्योंकि मुझे पता नहीं कि मुझे एक दो डिशेस थोड़ी कम लगती हैं, पता नहीं। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने ये किया है कि मैंने जो है वो खड़ियों का जो मसाला होता है उसको तैयार कर लिए मीन्स कि बेसन, बाकी जो मतलब ये प्रिपेयर करके मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ कि मेरा एक काम तो हल्का हो जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इस तरह से बेसन को जो है ना वो पका के और जमाया जाता है, उसके बाद इसके मैं पीसेस करूँगी और फिर उसके बाद जो है इसकी ग्रेवी बनती है और ग्रेवी में ये पीसेस डाले जाते हैं। ये सब दिखाऊँगी आपको जब मैं करूँगी। यहाँ पर मैं जो है अपना खाना खा रही थी, अचार गोश्त, और मैं अकेले खा रही थी, बच्चों को खिला चुकी थी। कोई जो है भूख नहीं लग रही थी क्योंकि मुझे जो है अक्सर और टाइम पर समोसे या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें चिप्स वगैरह खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, तो वो जो है फिर भूख नहीं लग रही थी। मैं काफ़ी गुस्सा भी कर रही थी कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया उन्हें खा रहे। तो बस मैं खाना वाना खा के बच्चे पानी पी के और अपना सोने जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।